आज क्योंकि हम पटियाला में हैं, सबने सुना होगा कि जो हमारे पटियाला के राजा रहे हैं उनके पास एक बड़ा कमाल का हार था। कहते हैं कि वो दुनिया के जो सबसे सात प्रेशियस जो स्टोन्स हैं, हार हैं, उनमें से एक था। फिर अचानक वो गुम हो गया और बहुत समय बाद वो टुकड़ों में अलग अलग जगह देखा गया, पाया गया। और आज हमारा जो टास्क है वो भी कुछ उसके साथ ही रिलेटेड है। एक वैसा ही बड़ा प्रेशियस सा हार इस हमारी हवेली में कहीं छिपा हुआ है अलग अलग टुकड़ों के अंदर। हमारे गैंग लीडर्स का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। उनके मार्गदर्शन पे आपको चलना होगा। इनके पास एक ड्रोन का कंट्रोल रहेगा जहाँ पर इनको सब कुछ दिखता रहेगा। वो आपको बताते रहेंगे कि क्या करना है। जहाँ पर आपको एक्स मार्क दिखेगा वहाँ पर एक टुकड़ा मिलेगा। ऐसे चारों टुकड़े आपको ढूंढ कर लाने हैं और ऐसे ही जोड़ना है। चार डिफेंडर्स रहेंगे और दो अटैकर्स रहेंगे। डिफेंडर्स पे एक एक लाइफलाइन होगी, हमारे अटैकर पे तीन लाइफलाइन होगी। लाइफलाइंस कहीं छिपी हुई हैं और उसके लिए एक हार्ट आपको कहीं दिखेगा। जहां पर आपको हार्ट दिखेगा वहां आपको लाइफलाइंस मिलेंगी। वो लाइफलाइंस आप लेकर आओगे, वापस अपने अटैकर को तीनों लाइफलाइंस दोगे और फिर वो वापस अटैक करने हार की तलाश में निकलेगा। हर अटैकर को जल्दी से जल्द सारे डिफेंडर्स को मारना है, उनसे हार के पीस लेने हैं और बाहर आके सुनसर जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हार को असेंबल करना है और टास्क वहीं पे खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखा देते होता है क्या है लाइफलाइन, कैसे होता है। तो ये लाइफलाइन है और ये कुछ ऐसी गन है जो काम करेगी। ठीक है प्रिंस भाई, तो ये है कुछ ऐसा। कैसा? इसमें गन्स का यूज होने वाला है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि आई हैव बीन अ नेशनल लेवल शूटर एंड ये टास्क तो बनाई मेरे लिए है। जो गैंग जीतेगा उसे मिलेंगी 5 इम्यूनिटीज और साथ में 2000 रोडियंस। ये देखा अभी जोश आया इनमें। सेकंड आएगा उसको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी लेकिन उसको मिलेंगे 2000 रोडियम और जो थर्ड आएगा उसको मिलेंगी बहुत सारी दुआएं। मैंने कहा ये मुझे परफॉर्म करना है, कुछ भी हो जाए आज सबकी फाड़नी है, जो लाइफलाइन दूसरों की है लेनी है और ये जल्दी से जल्द टास्क कंप्लीट करना है। और आपके इस टास्क का नाम है मिशन इम्पॉसिबल टास्क, हार का वार। हमारे गैंग लीडर्स को बोलते हैं कि आप लोगों को 6-6 लोग चुनने हैं जिसमें से 4 डिफेंडर्स रहेंगे और 2 अटैकर्स रहेंगे। चलिए गौतम आपसे शुरू करते हैं। तो सिर्फ गौतम ये बताओ कि कौन 2 लोग नहीं परफॉर्म करेंगे। चलिए रूपा यप। आपको पता है आपसे गलती हुई है। यप। फेस इट नाउ एंड आई विल आल्सो मेक श्योर कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई अप्रिशिएट दैट। एंड नेजम, मैं बहुत एम्बैरस फील कर रही हूँ कि मुझे साइडलाइन किया गया है रूपा के साथ। रिया, आपकी गैंग में से 2 लोग कौन से रुकेंगे? I think for this task, Naira because she's injured. I'm not injured. ये तो मैंने टास्क से बचने के लिए डाला। I'm not injured. I can perform. और कल मौका मिला है आपको तो I feel up. And Neerja. Naira, Neerja रुकेंगे, बाकी से लोग परफॉर्म करेंगे। I am disheartened. मैंने अपने आप को प्रूव किया पिछले टास्क में that I am really good at task. Prince. मेरे गैंग से प्रेम रुकेगा और प्रियंका चौधरी रुकेगी। ओके ग्रेट, ठीक है, प्रेम और प्रियंका रुकेंगे इस गैंग में, बाकी 6 लोग तैयारी कर लें। हार को जीत में बदलना है, हार जीत के। ओके सर। सो पहला कौन जाएगा? द मोस्ट एक्सपीरियंस गैंग लीडर ऑफ ऑल। अरे ये मैंने पुण्य कर दिया पहले भाई, अभी पीठ के पीछे करो। गौतम तू जाएगा पहले। देखो आपने पहले मुझसे नाम लेने को बोला, मैंने कहा ले देता हूँ मैं नाम, पर अब उसकी बारी। गौतम के पास 8 के 8 बहुत स्ट्रॉन्ग है। Come on, गौतम, गौतम, गौतम। अरे सीना ठोक के बोलता हूँ मेरी टीम जाएगी। मुझे लास्ट जाने दो प्लीज। चलो ठीक है, पहले गौतम की टीम जाएगी, सेकंड टीम जाएगी प्रिंस की और थर्ड टीम जाएगी रिया की। ऑल सेट, गेट रेडी।